नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इंटरनेशनल अफेयर पर। तो जी हाँ दोस्तों, अपने अपने स्क्रीन पर एकदम ठीक पड़ा है। आप सबको पता होगा कि रूस ने आखिरकार यूक्रेन पर हमला शुरू कर दिया है, लेकिन यूक्रेन को बचाने के लिए अमेरिका ने अपनी एक भी सेना को नहीं भेजा है ताकि यूक्रेन को रूस से बचाया जा सके। लेकिन अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है, लेकिन इसी प्रतिबंध को चीन रूस से हटा रहा है। क्या पूरा मामला से बताने से पहले आप लोग से निवेदन है, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपडेटेड रहें वर्ल्ड और डिफेंस के तमाम खबरों से। तो दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हो गया है। अब तक रूसी सेना यूक्रेन भारी तबाही मचा चुकी है और तेजी से राजधानी कीव की ओर बढ़ रही है। शुक्रवार सुबह से ही कीव में धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। आपको बता दें कि इस जंग में दुनिया भी दो पक्षों में बढ़ गई है। कई देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं, तो वहीं चीन, पाकिस्तान रूस का समर्थन कर रहे हैं। एक तरफ जब दुनिया के ज्यादातर देश रूस पर कड़े से कड़े प्रतिबंध लगा रहा है, तब चीन ने रूस पर लगे सभी गेहूं आयात प्रतिबंधों को हटाने का फैसला लिया है। चीन के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम ने गुरुवार को यूक्रेन पर रूसी हमले के कुछ ही देर बाद इसकी घोषणा कर दी है। यही कदम उस समझौते के तहत उठाया गया जो इस महीने के शुरुआत में पुतिन और जिनपिंग के बीच बातचीत की हुई थी। रूस दुनिया के सबसे बड़े गेहूं उत्पादन और कंटीमेशन के डर के चलते गेहूं निर्यात नहीं करता है। आप सबको बता दें कि 8 फरवरी को चीन और रूस के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत चीन रूस से गेहूं और धान खरीदने और रूस कंटीमेशन को रोकने के लिए सभी जरूरत उपाय अपनाने पर सहमत हो गए थे। इस समझौते के अनुसार चीन गेहूं में किसी भी तरह की फंगस या कंटीमेशन मिलने पर खरीद को तत्काल रोक देगा। बुधवार को चीन के कृषि मंत्रालय ने बताया कि पिछले साल बुआई की अवधि में बाढ़ के कारण चीन बड़ी कठिनाइयों का सामना कर रहा है। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देश एक सुर में पुतिन की आलोचना कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने संबोधन में रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। दूसरी ओर ईयू के नेता भी 6 घंटे की मीटिंग के बाद रूस पर और ज्यादा कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने का सहमत हो गए हैं। परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि रूस यूक्रेन पर अपने हमलों को सही ठहराने के लिए झूठे और बेकार बहाने बना रहा है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंध से उसकी सरकार को नुकसान होगा। खैर, आपका क्या राय पूरे इस घटना पर? क्या चीन को रूस का समर्थन करना सही है कि नहीं? आप अपना राय कमेंट में जरूर बताएं। और इस तरह खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल इंटरनेशनल अफेयर को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप अपडेटेड रहें वर्ल्ड और डिफेंस के तमाम खबरों से।